तो गाइज, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, अगर आपने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, या फिर बहुत दिनों पहले ही आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, बट दोस्तों अभी तक अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, यानी कोई बंदा अगर आपके चैनल का यूट्यूब पर जाकर के नेम लिखता है तो वहाँ पर अगर आपका चैनल नहीं आता है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक आप देखते रहिए। आपका भी चैनल सर्च में आने की पूरे चांसेस, क्या मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका चैनल सर्च में आने लगेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैनल सर्च रैंकिंग में फर्स्ट टॉप, कोई सर्च करते ही पहले नंबर पर आपका ही चैनल यहाँ पर आने वाला है। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग्स करनी होगी। वो सेटिंग्स क्या है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको अपना मोबाइल ले लेना है। ले लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यूट्यूब का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर आप www.youtube.com इस तरह से सर्च भी कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर मेरा ये जो इंटरफेस आया है, इस तरह का आपका नहीं होगा। तो आपको इस तरह का इंटरफेस करने के लिए क्या करना है कि ऊपर तीन लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्री डॉट, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर टिक लगा करके रखा है, आपका टिक नहीं होगा। तो टिक जैसे ही आप लगा देंगे, आपका भी पूरा का पूरा इस तरह का खुल जाएगा, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप जैसे पीसी में खुलता है वैसा खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जूम करना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा तीसरे नंबर पर, यूट्यूब स्टूडियो का। तो जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल का, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्री पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से कंट्री हमारा कौन सा है, इंडिया, इंडिया हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में कुछ कीवर्ड यहाँ पर लगाने होंगे अपने चैनल से रिलेटेड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इस चैनल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड यहाँ पर लगा के रखे हैं, जैसे कि MB ट्रिक, अलग अलग इस तरह से कीवर्ड लगाने हैं, ट्रिक MB, टेक्निकल चैनल, टेक चैनल, टेक्निकल वीडियोज, टेक वीडियोज, YouTube टिप्स, YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह से कुछ आपको कीवर्ड यहाँ पर लगा देने हैं अपने चैनल से रिलेटेड। अगर आपका कुकिंग का चैनल है या फिर गेमिंग चैनल है, तो वहाँ पर आप गेम प्ले, गेमिंग चैनल, गेमिंग वीडियोज, इस तरह से आपको कीवर्ड लगा देने हैं। कीवर्ड लगा देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सब आपकी सेटिंग्स यहाँ से सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका चैनल 12 घंटे के बाद, यानी कि 12 आवर्स के बाद आपका चैनल सर्च में आने की पूरी एकदम चांसेस बन जाएंगे। चांसेस क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरा आपका चैनल सर्च में आने लगेगा, फर्स्ट रैंक में सर्च करने लगेगा। तो ये जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, ये ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई की और आपका चैनल सर्च में आने लगा। ये 12 आवर्स के बाद ये सेटिंग्स आपके चैनल पर अप्लाई होगी। तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा।